अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। मेरा टोटल जो वीक को मैंने डिवाइड किया था उसमें दो दिन जो है मेरा उसको मैं बफर डे कहता था, जैसे डांस अलेवन करता कहता है बैक ऑफिस डे होता था, दो दिन, चार दिन मेरा मार्केटिंग डे होता था और एक दिन मेरा फैमिली डे। तो मेरा ऑलवेज आप देखेंगे संडे मेरा फैमिली डे होता था, मतलब संडे को मैं कोई काम नहीं करता। मंडे और ट्यूजडे मेरा मार्केटिंग डे होता था, वेनेसडे को मेरा बफर डे मतलब बैक ऑफिस डे होता था, थर्सडे और फ्राइडे को वापस फिर मैं इसमें मतलब जो मार्केटिंग डे है वो होता था और सैटरडे वापस से बैक ऑफिस डे। तो मैं दो दिन जो काम करता हूँ मतलब, अच्छा बैक ऑफिस डे पे मुझे क्या करना है उसके लिए मेरे पास 13 लिस्ट आइटम, मतलब मैं एक ऑफिस में, अच्छा ऑफिस में मैं सिर्फ दो दिन जाता हूँ, अच्छा और ऑफिस में दो दिन सिर्फ बफर डे जो बैक ऑफिस डे हो जाए। जिस दिन मेरा मार्केटिंग डे है मैं अर्ली मॉर्निंग सीधा निकल जाता और रात को स्ट्रेट घर पे आता था, मैं वो दो दिन ऑफिस नहीं जाता। बट वो सक्सेस होने के लिए मेरा सिस्टम ऐसा था कि जो बफर डे जो भी डे और बैक ऑफिस डे है वो डे को मैं सवेरे फर्स्ट मेरा क्या रहता था कि अगले दो दिन का अपॉइंटमेंट ले। अच्छा अगले दो दिन कहाँ जाना है, तो मेरा चार टेरिटरी था, मैंने और कहीं ये नहीं किया, तो मैंने चार टेरिटरी डिसाइड किया था जिसमें 5 किलोमीटर का एरिया में, तो एक जैसा सेंटाक्रूज विले पार्ला था, एक गोरेगांव जोगेश्वरी था, एक टाउन का था और एक शायद चेंबूर घाटकोपर, तो ये ऐसा एरिया है, मैं वो एरिया छोड़ के और किधर नहीं जाता। अच्छा तो मेरे प्रोस्पेक्ट लिस्ट चार लिस्ट हुआ करते, जिसमें जोन 1 का लिस्ट चेंबूर वाला, जोन 2 का लिस्ट गोरेगांव वाला, जोन 3 का लिस्ट विले पार्ला वाला, जोन 4 का लिस्ट टाउन। फिर मेरा डिसाइड होता था कि ट्यूजडे को मैं टाउन में रहूँ, वेनेसडे में यहाँ रहूंगा, मतलब ऐसे वो फिक्स था, डे फिक्स था, तो उसमें कोई ये नहीं। तो मंडे को अगर मैं जैसे बैक ऑफिस डे मेरा होता था तो मंडे को मैं, मेरे को मालूम है ट्यूजडे को टाउन जाना है, तो मंडे को सबसे पहला मैं टाउन वाला लिस्ट निकालता था। अभी मैं कॉल किसको करता था, जो टाउन वाले लोग उसको ही कॉल करता, मेरे को अपॉइंटमेंट उधर कहीं मिलेगा। अभी हम मिक्स वाले लोगों में कॉल करेंगे तो अपने को अलग अलग जगह मिलेगा, तो अगर मेरे को अपॉइंटमेंट इफेक्टिव चाहिए तो मेरे को लिस्ट अलग बनाना है। तो मैं क्या करता था, मंडे को पहले टाउन का अपॉइंटमेंट लेता था, 7-8 अपॉइंटमेंट ले लेता था, उसके बाद नेक्स्ट मेरा चेंबूर का डे होता था तो मैं चेंबूर का 7-8-10 अपॉइंटमेंट ले लेता था, फिर मैं मेरा बाकी का पेपर होगा। अभी उसके पहले दो दिन जो भी काम हुआ है, जो भी कस्टमर को मिला उसको प्लान बनाने का, उसका फॉर्म भरने का, वो नेक्स्ट काम होता था। ऐसा करते करते मैं शाम तक 13 चीज होता था जो मैं करके मैं जाऊँगा, फिर अगले दो दिन मेरे को कुछ सोचने का जरूरत नहीं, मैं वो 7-8 अपॉइंटमेंट जो है करके आ जाता था। जैसे टाउन जाता था सवेरे 7 बजे में निकलता था टाउन, 8-9 बजे तक पहुंच जाता था, फिर वहाँ 7-8 बजे तक अपॉइंटमेंट करता था, फिर वापस आता, तो वो दिन मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। और फिर संडे का जो है वो मेरा फैमिली डे रहता, तो ये टाइम मैनेजमेंट और टेरिटरी मैनेजमेंट और उसके साथ प्रोस्पेक्ट मैनेजमेंट की लिस्ट बनाना है, ये मैंने एकदम पक्का ऐसा कर दिया था कि बॉस आपको बोलता हूँ मैं कि एक बार बॉम्बे में 1993 में रायट्स हुआ था, तो मुझे पता है वो दिन मेरा टाउन का अपॉइंटमेंट था और मैं जलता हुआ बॉम्बे से बाइक पे आ रहा। अच्छा एक दिन मेरा जो आप अगर देखेंगे, मैं आपको बोलूँगा टाउन में मेरा अपॉइंटमेंट होता था ना, तो 10 से 12 मेरा MTB ऑफिस में मैं रहता एवरी ट्यूजडे 10-12, और वो इतना इम्पैक्टफुल रहा कि वो लोगों को MTB में पता था दुनिया इधर की उधर हो जाए बट लाजरस हमारे ऑफिस में 10 से 12 बजे आता है। अच्छा और सब एम्प्लॉइज ने HR मैनेजर और सब मैनेजर को बोला कि ट्यूजडे का 10 से 12 कोई मीटिंग रखने का नहीं, क्योंकि वो लाजरस जी आते हैं, टैक्स वाले कंसल्टेंट हैं, हमको उनसे बात करना है। तो इतना मतलब वो फेमस हो गया कि HR वाले ने बोला यार ये ट्यूजडे को ये लोग मीटिंग क्यों नहीं रखते हैं। तो मेरा इतना, एक दिन क्या हुआ कि बाला साहेब ठाकरे को उस दिन अरेस्ट होने वाले, तो कोई बाहर नहीं निकला, तो मेरा टाउन का अपॉइंटमेंट, मैं बोला चलो सवेरे, मैं 7 बजे निकला और बहुत जल्दी पहुंचा, और फिर भी मैं MTV में बैठ के देख रहा था कि बाला ठाकरे का वो लोग कोर्ट में पेश कर रहे हैं वगैरह वगैरह क्या रहा है, बट मैं 10-12 उधर ही था। उसका जो CFO है, वो CFO ने एक बार मेरे को कॉल किया कि बॉस इधर सब लोग बोल रहे हैं टैक्स मैनेजमेंट में आप अच्छा ये करते हो, उन्होंने बोला एक बार मिलो तो आपको भी एक अच्छा ये आ जाएगा हमारे लिए, तो बोला आप कल आ जाओ, बोला सर मैं कल नहीं आ सकता हूँ, मैं मंगलवार को 10 से 12 बजे। तो वो मेरे को बोलने लगा अरे बाबा मैं CFO हूँ MTV का, मतलब मैं बोला सर मैं रियली अप्रिशिएट कि आप मेरे को बुला रहे हैं और ये कर रहे हैं, बट प्लीज अंडरस्टैंड कि मैं ट्यूजडे को 10 से 12 में ये कर रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे उनको ये करना पड़ा, फाइनली बोला अच्छा ठीक है चलो आप,
तो वहां का जो मतलब क्या होता है ना, लोग वहां एक्सपेक्ट कर देते हैं और इस वजह से मेरे को बिजनेस ज्यादा मिले। देखो हम ट्रस्ट डेवलपमेंट कैसे करते हैं कि जो मैं बोलता हूँ वो करता हूँ कि नहीं, तो लोगों ने देखा कि मैं इतना एक्यूरेटली हर ट्यूजडे को वहां जाता था जिप टेलीकॉम। अभी मेरा एक कस्टमर मेरे को बोला यार ट्यूजडे को तू 12 बजे आके 1:30 बजे तक अपना है ना, और 1:30 बजे मैं खाना भी किधर खाता था ना, वो भी होटल पीस। अच्छा, और मैं दाल राइस ही वहाँ का खाने का क्योंकि वो सबसे फेमस होटल था दाल राइस। तो मेरा पूरा सिस्टम ऐसा होता था कि वो जिप अपना MTV में जाता, फिर जिप टेलीकॉम में जाकर फिर खाना आके फिर मैं निकलता। तो ये टाइम मैनेजमेंट, टेरिटरी मैनेजमेंट, फूड मैनेजमेंट भी हो गया उसमें सब चीज़ें, और कितना मस्त लगता एकदम शांति से बहुत काम होता था। एंड आई यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी, बहुत एक्साइटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।